नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। बीते कुछ दिनों से देश के कुछ हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है और इसको लेकर कुछ लोग कुछ देश के कुछ क्षेत्र के हिस्सों में विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये विधेयक जो बिल पास हुआ है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। मृणाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सिल्क टीवी का बहुत धन्यवाद है कि आप उन मुद्दों को हमेशा उठाते हैं जो समसामयिक है और उस चर्चा में मुझे शामिल करते हैं। इसके लिए मैं सिल्क टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मृणाल जी, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो पास हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये देश के हर तबके की जीत है और इसके लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को खुश होना चाहिए क्योंकि यह भारतवर्ष में रहने वाला हर समुदाय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी तबका है, उनके ऊपर ये किसी तरह की हानि नहीं करती। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल आज इसको हवा देने का काम कर रहे हैं और कल गृहमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने भरोसा दिया, भारत की सरकार ने आश्वस्त किया कि उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस देश का हर तबका सुरक्षित है। दुनिया में हिंदू समाज के लिए कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर वो आकर शरण ले सकते हैं, आप बताइए मुझे। और इसमें बड़े परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, वहाँ यदि कोई हिंदू प्रताड़ित होकर धर्म के आधार पर, कोई हिंदू, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई सिख, कोई ईसाई यदि प्रताड़ित होता है धर्म के आधार पर, तो उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं और भारत में उनकी नागरिकता दी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि आप इसको, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई हिंदू प्रताड़ित हो, मैं भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को भी मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि दुनिया के, ये सिर्फ तीन देश नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी भी देश में यदि किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाए तो भारत की सरकार उसको गले लगाए, उनको जगह दे, क्योंकि एकलौता यह देश है जहाँ पर हिंदू समाज के लिए आत्मीयता का अभाव दिखता है। इसलिए मैं और जो लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं और मैं भी आपके माध्यम से देश के हर व्यक्ति से यह आग्रह करता हूं कि आप राजनीति के शिकार ना हो, आपके लिए यह मुल्क सबसे सुरक्षित है, सबसे मुफीद है। और जो डाटा आया है पाकिस्तान में, आखिर कैसे हिंदुओं की आबादी घटते घटते आज यहां तक आ गई है, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में दिन प्रति, लेकिन आज भारत ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग मिलकर रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज़ादी के समय जो मुस्लिम समाज की डेमोग्राफी थी और अभी जो है, आप देखिए उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। इसलिए दुनिया में भारत से अच्छा कोई मुल्क नहीं है और भारत सरकार का यह कदम देश के हर व्यक्ति के लिए स्वागत योग्य है। हमारे देश में अवैध रूप से हो रहे घुसपैठी को लेकर सभी लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए और इस तरह से जो नागरिकता दी जाएगी, ऐसे में हिंदू घुसपैठियों को नागरिकता दी जाएगी और जो मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि घुसपैठिया और शरणार्थी में बहुत बड़ा अंतर है। जो घुसपैठ होता है वो अवैध तरीके से होता है, गुपचुप तरीके से, बिना इस सरकार को जानकारी दिए वो हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं और हमारे ही संसाधनों का, जो इस देश में ये हक, आप यदि किशनगंज जाएँ, पूर्णिया जाएँ, कटिहार जाएँ, सीमांचल के क्षेत्रों में जाएँ, हम बिहार की बात करते हैं, आज पहले तो वो मुसलमान बनकर आए और आज जो स्थानीय मुसलमान लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, आज उनके हकों को मार कर आज वो उनके ज़मीन पर, जगह पर कब्जा कर रखे। आज लाहौर में, कराची में, पेशावर में बड़े बड़े जो हिंदू परिवार के लोग थे,
आज उन्हें वहाँ इस तरह से धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया गया कि आज उन्हें अपना आलीशान बंगला, संपत्ति, जो महल थे वो छोड़कर आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े नाले के नज़दीक आकर वो आश्रय लिए हुए, सिर्फ अपना जान बचाने के लिए, अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ पर आकर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आकर शरण लिए हुए। क्या ये समस्त पूरे देश का, भारतवर्ष का ये नैतिक दायित्व तो नहीं है कि हर व्यक्ति आज उनकी रक्षा करे, आज उन्हें शरण दे? हम शरणार्थियों की बात करते हैं, हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो घुसपैठिया है, जिसने भारत के संसाधनों पर अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है, उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे निकाला जाएगा, चाहे इसके लिए चाहे जो भी हाय तौबा मचा लें, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो अब की सरकार वो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब की सक्षम सरकार है, ये वो दौर चला गया, अब ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। और जो सच सही है, जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, वो किसी भी सूरत में उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आपके लिए तो खुशी की बात होगी क्योंकि राज्य की जो जदयू सरकार है वो इस बिल का जो है समर्थन कर रही है। देखिए, ये जदयू हमारा नेचुरल अलायंस है, समता पार्टी के समय से अभी तक यदि हम देखें, बीच का जो वो दो ढाई साल का कालखंड था उसको छोड़ दें और यदि हम देखें तो वो हमारी विचारधारा बिल्कुल समान है, लेकिन इसमें उन्होंने राष्ट्रहित में, राज्य हित में जो निर्णय था वो उन्होंने लिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और जदयू के समस्त नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, शिवसेना जरूर इस मुद्दे पर, जो पहले की शिवसेना थी वो अब नहीं रही। शिवसेना निचले सदन में इस बिल का विरोध कर रही है। देखिए, वही तो है कि आखिर क्या हो गया जो लोकसभा में आपने समर्थन किया, और आखिर रातों रात क्या हो गया जो आपने राज्यसभा में आकर विरोध किया? ये जो शिवसेना थी ना पहले की, वो बाला साहब ठाकरे वाली अब शिवसेना नहीं रही। ये शिवसेना अब सेकुलर बनने के चक्कर में है। सोनिया गांधी के सामने इस शिवसेना ने अपने घुटने टेक दिए हैं। शिवसेना का नाम बदलकर, मेरा विचार है कि अब सोनिया सेना कर देना चाहिए, शिवसेना बदल चुकी है। और उन मुद्दों को छोड़कर स्वार्थ की राजनीति के तहत शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ा। महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को वोट किस लिए दिया था? एक अलायंस थी, प्री पोल अलायंस, उस नाते दिया, सरकार बनाने का दिया, लेकिन शिवसेना ने हमें धोखा दिया और वो चले गए। ऐसे जो वैचारिक तौर पर काफ़ी मतभेद हैं वो कांग्रेस के साथ, जो सब दिन सोनिया गांधी को गाली देने वाले यही उद्धव ठाकरे थे, यही आदित्य ठाकरे थे, यही शिवसेना, बाला साहब सब दिन कांग्रेस से लड़ते रहे और आज देखिए जाके सोनिया जी के गोद में बैठ गए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में दुल्हा तैयार था और सुहागरात के पहले ही दुल्हन जो है जेवर लेकर फरार हो गई। देखिए, हमने अंतिम तक जनता के उम्मीदों के अनुरूप सरकार बनाने की कोशिश की। हम मैदान छोड़ने वालों में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए हर संभव हमने कोशिश की कि हम एक स्थिर सरकार दे पाएँ। जनता ने वहाँ भाजपा शिवसेना को एक मैंडेट दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना ने जिस प्रकार से धोखा दिया और हमेशा झूठ बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादे किए हैं, और वो खेल समझ में आ ही गया क्योंकि पहले ही से हमने अपने घोषणा पत्र से लेकर हर सभा में, वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का घोषित कर रखा था, और तब तक वो चुप रहे, हर सभा में साथ बैठे रहे बगल में लेकिन चुप रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब जनता के उम्मीदों के अनुरूप मैंडेट हम लोगों को मिला, तो उन्होंने अपने, पहले तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे उद्धव ठाकरे, लेकिन फिर वो असमान विचारधारा के लोगों से मिल गए। लेकिन धैर्य रखिए, कर्नाटक में क्या हुआ, देवगौड़ा बाप बेटे को कैसी वहाँ के लोगों ने सबक सिखाई है, जल्द ही वहाँ पर एक सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेगा और जनता की बद्दुआ लगेगी उद्धव ठाकरे को, और जनता की उम्मीदों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
फिर से महाराष्ट्र में एक सशक्त और मजबूत सरकार का हम लोग गठन करेंगे। एक सवाल वर्तमान की राजनीति के मुद्दे जो हैं उससे हटकर है कि आप भी छात्र जीवन से राजनीति करते आए हैं और खासकर छात्र जीवन में अच्छा राजनीति आपने किया, लेकिन हर तरह की जो बातें होती है राजनीति में उस पर हाय तोबा पार्टी मचाती है, आप भी इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि छात्र जीवन में छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर आप हल्ला मचाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, बात जब जेएनयू की आई दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर आपकी कहीं कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली? ऐसा नहीं है, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा हर बच्चे के, हर गरीब के पहुंच तक होनी चाहिए और शिक्षा निःशुल्क देने का दायित्व सरकार का है, मेरा स्पष्ट मानना है। और हमने हमेशा संघर्ष किया इसके लिए, छात्र जीवन से हम लोग यहाँ तक आए हैं और संघर्ष के, सब लोग जानते हैं कि छात्र जीवन की उपज है, हम लोग संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं छात्रों के साथ हूँ, उस मुद्दे पर मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इच्छा को जाहिर किया था, अपना समर्थन वहाँ संघर्ष कर रहे छात्रों को दिया था। लेकिन छात्र हित के नाम पर जो छात्रों का हित कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश हो रही, जो छात्रों के नाम पर जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और ये कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकती है कि कोई जेएनयू के कैंपस में छात्रों के नाम पर, ऐसे कितने लोग हैं अभी जो रिपोर्ट आई है, 15-15 साल से छात्र पढ़ रहे हैं, वैसे छात्र को बाबा और दादा नाम दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि आप वहाँ पढ़ने गए, कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है, चार साल मैक्सिमम होता है निकलने का, अब कोई वहाँ पर जो रिपोर्ट आई 12-15 साल, ऐसे भी लोग हैं पढ़ रहे हैं, मतलब एक कैंपस में है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर अब कड़ाई हो रही, अब वहाँ पर कितने तरह का कदाचार हो रहा था, अब लड़कियां रात में रूम में जा रही हैं, लड़के कमरे में जा रहे हैं, उस पर जब कड़ाई हो रही है, इस पर प्रतिबंध लग चुका है, हाँ, तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और मेरा मानना है कि कैंपस स्वच्छ होना चाहिए, कैंपस पवित्र होना चाहिए और कैंपस में पढ़ाई का, शिक्षा का माहौल होना चाहिए। और जेएनयू जो पहले था, जेएनयू ने देश को बहुत कुछ दिया है, हम जेएनयू का सम्मान करते हैं, जेएनयू कैंपस का सम्मान करते हैं और जेएनयू की पवित्रता, जेएनयू का शैक्षणिक माहौल वैसा ही बना रहे, मेरे जैसा आदमी यही चाहता है। मृणाल जी, ये एक सवाल है, सभी लोग जानना चाहते हैं, बहुत ही लोगों ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो ये जानना चाहते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव जो है, क्या मृणाल शेखर अमरपुर से लड़ेंगे? अरे क्यों नहीं लड़ेंगे, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और आप सबों को पता है, चुनाव हारने के बाद भी 8 नवंबर 2015 का वो दिन मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, जिस दिन मेरे प्रतिकूल परिणाम आए थे, लेकिन मैंने उसको एक चुनौती के तौर पर लिया। और 11 नवंबर 2015 से मैं लगातार अपने क्षेत्र के सुख में, दुख में, क्योंकि 62,000 लोगों ने मुझे मत दिया, थोड़े से मत से मैं पिछड़ गया था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वहाँ के लोगों की आवाज़ बन सकूँ, वहाँ के लोगों के संघर्ष का साथी बन सकूँ, वहाँ के लोगों ने जो सपने देखे वही सपने मेरे भी आँखों में, जैसा दिल उनका धड़कता है वैसा ही दिल मेरे अंदर भी धड़क रहा है। और मैं चाहता हूँ यदि ऊपर वाले ने मुझे अवसर दिया तो मैं उन लोगों की उम्मीदों को, उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार यदि भोलेनाथ ने मुझे अवसर दिया तो मैं वो हर काम करना चाहता हूँ, वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और वहाँ पर एक आवश्यकता है, नेता की नहीं, एक बेटा की आवश्यकता है, और मैं एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर मैं वहाँ के लोगों को शायद उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और ये तब तक संभव नहीं है, मेरे पास कलम है लेकिन इसमें इंक नहीं, ये खाली है और इसमें जब वहाँ के लोग वो ताकत देंगे, वो इंक भर देंगे, तब मैं बताऊंगा कि काम कितना किया जा सकता है और एक सही जनप्रतिनिधि होता है तो वो क्या कर सकता है लोगों की हर उम्मीद को, कम से कम ईमानदारी से, यदि कोशिश ईमानदार होगी तो उसका फल भी ईमानदार होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी अपने क्षेत्रवासियों को और हर व्यक्ति को, जिसके भी मन में यदि कोई संशय लग रहा हो, तो मैं पूरे मजबूती के साथ डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं अमरपुर विधानसभा से कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश को मेरा प्रदेश नेतृत्व, मेरा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जानते हैं, जेपी नड्डा साहब जानते हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व, चाहे इसके पहले नित्यानंद राय जी हों, सुशील मोदी जी हों, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हों, सारे प्रदेश नेतृत्वों को मैं क्या कर रहा हूँ उसको प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोगों के दृष्टि में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सबों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मुझे वो अवसर प्राप्त होगा कि मैं अमरपुर के लोगों की सेवा कर पाऊँगा। अगर आप अमरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपकी जो मिसेज हैं डॉक्टर प्रीति शेखर, क्या वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो वो दे पाएंगी, प्रीति जी से आप पूछ लीजिए। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब फील्ड में रहते हैं तो ये दो सवाल जो निजी तौर पे था कि अमरपुर से आपका विधानसभा चुनाव लड़ना, और दूसरा सवाल ये कि क्या प्रीति शेखर जी भागलपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये दो सवाल जो है अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, तो ये मेरा निजी तौर पे ऐसा सवाल था जो कि लोग हमसे पूछते हैं। देखिए, वो लगातार छात्र जीवन से वो भी संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और तीसरी बार पार्षद बनी हैं, भागलपुर की डिप्टी मेयर रही हैं, दल की वो लगातार सेवा कर रही हैं, छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद से लेकर और अभी तक, और सतत प्रतिदिन उनका कार्य क्षेत्र भागलपुर है, मेरा अमरपुर है, वो भी दिन रात लगी हैं। और यदि ये तो दल को डिसाइड करना है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं, तो इसमें चाहिए भी, यदि कोई आदमी अच्छा प्रयत्न ना करे, अच्छे सपने ना देखे, तो इसका मतलब है उनके प्रयास में कुछ कमी है, तो इसका बेहतर जवाब उनसे आप ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो हमारे साथ भाजपा नेता, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर थे। और वर्तमान में जो देश में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हुआ, इसको लेकर जो भी कुछ क्षेत्रों में जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसको लेकर डॉक्टर मृणाल शेखर से एक भाजपा नेता और पूर्व प्रत्याशी होने के नाते मैंने इनकी प्रतिक्रिया और इनकी जो प्रतिक्रिया थी वो मैं जानने का कोशिश करा। और मैं भी चाहूँगा कि आपके जो हद तक जो आपके मन में सवाल थे एक क्षेत्रीय नेता होने के नाते मृणाल शेखर जी से मैंने करा। सिर्फ टीवी पर देख रहे हैं, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर है। हमारा ये बातचीत डॉक्टर मृणाल शेखर जी से कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा, आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल आप सिल्क टीवी देख रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।